हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात करने वाले आज एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड। और उसकी अगर मैं बात करूं तो हर एक वीडियो अगर जिस दिन भी मैंने आपको मल्टीपल स्टॉक से रिलेटेड बातें करी होगी, उस वीडियो में हर बार आपको बताया कि उस शेयर में कितना दम है, वो शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। और आज के दिन में अगर बात करें तो लगभग 6 से 7% यहाँ पर भागता हुआ अभी दिखाई दिया। तो देखिए, जो हम स्टॉक आपको बताते हैं वो स्टॉक्स तुरंत नहीं भागेंगे, बट वो भागेंगे और इसी तरीके से आपको अच्छे खासे रिटर्न देंगे। और अभी बुल मार्केट चल रही है, तो बुल मार्केट में क्या है, हर एक शेयर भाग रहा है। बट जो हमारी फिलॉसफी, जो जिस स्ट्रेटेजी पे हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी शेयर को किसी भी मार्केट में, चाहे बुल मार्केट हो चाहे बियर मार्केट हो, किसी भी टाइम उसे आजमा लेना, आपके अच्छे खासे पैसे बनेंगे। अभी बुल मार्केट है और जब बुल मार्केट एक बार खत्म हो जाएगी, तब जब नॉर्मल मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होगी, तब भी इस स्ट्रेटेजी को अपनाना तो अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और कल की डेट में यहाँ पर वीडियोस बनाई गई थी, यहाँ पर एक और दिग्गज ब्रोकिंग फर्म से रिलेटेड, आज और एक भी ब्रोकिंग फर्म से रिलेटेड वीडियो आएगी, तो उस चीज को देखिए। ब्रोकिंग फर्म में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए यहाँ पर आपको वीडियो बना के बताया जा रहा। बाकी यहाँ पर प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट को जाके गो थ्रू करिए, सीखिए, सीखने के बाद आप काम करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनता हुआ मार्केट में दिखाई देगा। और बुल मार्केट में नहीं, किसी भी मार्केट में हो, अच्छा पैसा आप कमाते हुए दिखाई देंगे। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम है रोजरी बायोटेक लिमिटेड। रोजरी बायोटेक अगर देखें तो 8.27% यहाँ पर शेयर भागता हुआ दिखाई दिया, एंड दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। और अगर हम बात करें इस शेयर की तो देखिए, यहाँ पर 2 महीने पहले इसके रिजल्ट आए थे, तब भी यहाँ पर हम बातें बात करी थी। और हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पर मल्टीपल वीडियोस बनाई गई थी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर काफी सारी स्टॉक से रिलेटेड, यहाँ पर सुपर 22 हो गया, या फिर यहाँ पर अच्छे खासी यहाँ पर काफी सारी वीडियोज बनाई गई थी। और उसमें आपको बताया गया था कि यहाँ पर इस शेयर को खरीदे, और मैंने एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार यहाँ पर बताया है, और रिजल्ट के टाइम पे बताया था कि ये शेयर आपको भागता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें 5 डेज का चार्ट पैटर्न, गिरावट होती हुई दिखाई देगी, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट, फिर जम्प, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर गेन दिया। बाकी मैक्सिमम की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये अगर बात करें 2020 में यहाँ पर एक IPO आता हुआ दिखाई दिया था, और 24 जुलाई 2020 को ये IPO आया था, उसके बाद से अगर बात करें तो आपके पैसे लगभग डबल करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है शेयर। इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 664 रुपये 23 जुलाई को यहाँ पर शेयर था, 1348 रुपये 10 मई को था, और उसके बाद यहाँ पर करेक्ट होकर अच्छा खासा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। और अगर हम बात करें 32% की डिलीवरी, 4,63,000 शेयर यहाँ पर आज की डेट में डिलीवरी बेसिस पर उठाए भी गए हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ और पैरामीटर्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास देखिए 68.7% के शेयर हो, कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी करती क्या है, तो देखिए कंपनी जो काम करती हुई नजर आती है, स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी किस तरीके की स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती हुई दिखाई देती है, तो बिजनेस सेगमेंट में अगर हम जाते हैं इनके, तो देखिए होम पर्सनल एंड केयर, एंड अगर बात करें परफॉर्मेंस केमिकल्स में, जैसे कि सोप एंड डिटर्जेंट जो बनते हैं उसमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, उसके केमिकल्स, इंक पेंट्स में, सेरेमिक एंड टाइल्स, पल्प एंड पेपर, सीमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, एज वेल एज बात करें टेक्सटाइल स्पेशलिटी की बात करें, यहाँ पर देखिए कॉटन और यहाँ पर टेक्सटाइल का बिजनेस किस तरीके से आजकल शेयर भाग रहे हैं आपको ही पता है, कॉटन, पॉलिस्टर, एक्राइल सिल्क, वूल सिल्क यहाँ पर। इसके अलावा बात करें एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो पेट केयर एंड पोल्ट्री न्यूट्रिशन में भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है, तो इस चीज को देखिए। और इसके अलावा हम बात करें इसके क्लाइंट्स की, तो यहाँ देखिए अरविंद, इसके बाद देखिए अमेजोन, इसके बाद देखिए बॉश, इसके बाद देखिए एस्कॉर्ट, टाटा स्टील, यहाँ पर मल्टीपल इनके अच्छे खासे यहाँ पर पार्टनर्स है जो कि हमें दिखा, इसमें अगर हम बात करें वेंकीज भी है, यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, कोई नहीं, यहाँ पर वेंकीज भी है, और इसके अलावा बहुत सारे इनके अच्छे खासे यहाँ पर इन्वेस्टर्स नजर आते हैं। तो एक बार हम जाके और भी इसकी रिसर्च करना चाहे तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कंपनी एग्जैक्टली किस किस सेगमेंट में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। तो अब इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की, यहाँ पर देखिए सम कंपनी स्मॉल कैप कंपनियां 6,414 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, और जब से आया है लगभग आपको 100% के रिटर्न भी दे दिए। ROCE की बात करें 28.7% की यहाँ पर ROCE है, डेट की बात करें डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है, ये सारी चीज बताती है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। इसके अलावा हम बात करें और भी कुछ पैरामीटर्स की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी से रिलेटेड सेल्स,
अगर हम बात करें, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं किस पैरामीटर पे, कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ी सी बात करें, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, इस तरीके से करेक्ट हुई हो। और दूसरी अगर हम बात करें, इसके जो नंबर्स है वो हाईएस्ट एवर आने आ रहे हो, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर यहाँ पर अगर बात करें नेट प्रॉफिट, ये आना जो कंटिन्यूसली शुरू हो गया और कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा भी नहीं कि बीच में रुक रहा हो और कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आ रहे हो, तो वो भी एक मैटर करता है। यहाँ पर बात करें, इस कंपनी ने कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर नंबर दिखाए है, जो कि सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, 516-600 करोड़, फिर इसके बाद 709 करोड़, ये सेल्स यहाँ पर इस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नेट प्रॉफिट भी देखिए 46 करोड़, 65 करोड़, 80 करोड़। तो ये सारी चीजें बताती है कि ये कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिजर्व्स की भी बात करें तो रिजर्व्स कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, लगभग 400 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। डेट तो यहाँ पर लास्ट ईयर था 70 करोड़ का, बिल्कुल डेट भी कम कर चुका भी है, जीरो डेट है कंपनी। बात करें फिक्स एसेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 181 करोड़ के। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंपनी का नहीं है, बट अगर बात करें कैश की तो 88 करोड़ का कैश है, ट्रेड रिसीवेबल 144 करोड़ रुपए का जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर आरओसी काफी बेहतरीन है। अब बात करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर प्रोमोटर्स ने कम करी है, लगभग 4% के आसपास की, 68.7% की है। बट अगर बात करें कुछ उसमें से होल्डिंग, एफआईआई ने खरीद लिया 7.82, टीआईएस ने थोड़ी सी खरीद लिया 13.6, और बात करें पब्लिक की तो यहाँ पर पब्लिक के पास देखिए 9.88 दिखा रहा है। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 3% के आसपास या 2.5% के आसपास यहाँ पर इन लोगों ने ले रखी है, और वो भी घटा दो तो 7% के आसपास की होल्डिंग हमें नजर आती है, किसकी, लगभग लगभग पब्लिक की नजर आती है। तो ज्यादा होल्डिंग भी नहीं है पब्लिक के पास, तो सारे के सारे शेयर अच्छे खासे हाथों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल्स की, तो देखिए चार्ट पैटर्न तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, कंपनी ऊपर ऊपर ही जा रही है और हमेशा अपने 50 डीएमए इसे यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई, अगर हम यहाँ पर देखते हैं 50 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेती हुई और जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अभी इस बार इसने 50 डीएमए का सपोर्ट तोड़ा था और हमें लग ही गया था कि ये यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आएगा, तो मैंने यहाँ पर काफी बार आपको ये शेयर सजेस्ट भी किया था, और यहाँ पर ये शेयर उसके बाद यहाँ पर देखिए भागता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आरएसआई भी यहाँ पर फेवरेबल थी, क्योंकि आरएसआई लगभग 34-38 के आसपास यहाँ पर चल रही थी। इसके अलावा हमने एक चार्ट पैटर्न छोटा सा डिस्कस भी किया था उस टाइम, अगर हम यहाँ पर देखें दोबारा, अगर इस चीज को मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बार यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक छोटा सा कप देखा हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था यहाँ पर देखे, तो देखिए एक यहाँ पर कप बना और यहाँ पर ये हैंडल बनाने को तैयार है। तो यहाँ पर अगर देखे तो ऐसे मतलब इसका हैंडल बढ़ा हो गया, कप यहाँ पर छोटा हो गया, इस तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। बट स्टिल अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर देखे तो अच्छा खासे यहाँ पर भी यहाँ पर टारगेट नजर आ रहे हैं, जो कि हम अगर यहाँ पर देखते हैं, जो कि इसको बॉटम से ड्रॉ कर लेते हैं कितने परसेंट के, तो देखिए ये शेयर कितना गिर चुका था, अच्छा खासा यहाँ पर करेक्ट हुआ था 15%, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं कि शेयर करेक्ट हो रहा है और अच्छे भाव पे मिल रहा है और अच्छे खासे नंबर दिखा रहा है कंसिस्टेंसी के साथ। तो ऐसे शेयरों को छोड़ा नहीं करते, ऐसे शेयरों को पिक कर लिया करते हैं, क्योंकि वो आज नहीं तो कल ऑब्वियसली बात है भागेंगे, और यहाँ पर फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग, लगभग 1500 रुपए का यहाँ पर लेवल आ रहा है यहाँ पर शेयर का। अभी भी ये शेयर कितने पे चल रहा है, 1253, अभी भी अगर बात करें तो लगभग 250-300 रुपए का यहाँ पर अपसाइड दिखा रहा है और अच्छा खासा गेन भी यहाँ पर दिखा रहा है, अगर हम यहाँ पर रिसेंट जो इसका चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको कुछ चीजें देख के, बस ज्यादा चीजें देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ओके ज्यादा स्टडी भी शेयर बाजार में काम नहीं करती और बिल्कुल भी स्टडी भी काम नहीं करती। तो अगर बात करें आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है शेयर बाजार से रिलेटेड, ओके तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, इसमें कोई भी किसी तरीके की एजुकेशन की जरूरत नहीं है, किसी तरीके की ऐसी कुछ जरूरत नहीं है आप, और बस बात है स्ट्रेटेजी की, बात है आपके प्रिंसिपल्स की, कि आप अपने जो प्रिंसिपल है, जो अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है, उसके प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हो कि नहीं। अगर आप ऐसी ये सारी चीजें करते हैं तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में पैसे बनाने की आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको अगर पता है कि यहाँ पर बेचना है तो यहाँ पर बेचना ही है, आपको यहाँ पर खरीदना है तो आपको यहाँ पर खरीदना ही है। अगर आपको ये सब चीज पता ही है, आपको पता है कि हाँ भैया भाई ये यहाँ पर 50 डीएमए से भाग रहा है, तो ठीक है, तो 50 डीएमए पे हमने यहाँ खरीदा। और मैं हर बार बता दूं कि जितने भी स्टॉक्स है 50 डीएमए पे आके यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं, और अगर 200 डीएमए के नीचे आ जाता है कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर तो और बेहतरीन चीज है यहाँ पर, फिर तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही यहाँ पर बिल्कुल ही फेवरेबल हो जाता है, तो उस चीज में भी आपको शेयर को खरीदना ही है।
यहाँ पर सारी चीजें देख के अगर आप काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा मार्केट से बनता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर दोबारा शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट भी आने वाले हैं आज, नहीं तो यहाँ पर अगर बात करें लास्ट टाइम रिजल्ट कब आए थे, तो लास्ट टाइम रिजल्ट अगर हम देखे तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 अगस्त को आए थे। अगले महीने इसके रिजल्ट आने की तैयारी में, अगर अगले महीने रिजल्ट आते हैं और तब तक 250 रुपये 200 रुपये और बढ़ जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर हम बेच के निकल जाएंगे, हमारा अच्छा खासा 15% 20% का पैसा निकल जाएगा। 15-20% का मतलब है इस तरीके की, अगर आपको साल में 3 अपॉर्चुनिटी मिल गई तो 40-50% के CAGR से पैसे कमाएंगे, और 40-50% के CAGR से पैसा कमाएंगे तो 10 लाख रुपए 800 करोड़ रुपए होते हैं 20 साल के अंदर। तो यही सारी चीजें है, बाकी आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर कोई पोजीशन लीजिएगा, किसी के कहने पर मत लीजिएगा, बस सीखना है सीख के यहाँ पर सब कुछ आपको करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।